सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओविक मोटो वर्ल्ड। तो ये एक्शन कैमरा का जो साउंड है, ये तो चलो फिलहाल सॉल्व हो गया है। अभी उतना तो साउंड का इशू नहीं है जैसा मुझे लगता है। पता नहीं ऑडियंस को क्या लगता है, क्योंकि ऑडियंस ही तो सब कुछ है। यूट्यूब में अपने खुद का मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। ऑडियंस जो बोलेगा, जैसा बोलेगा, वही फॉलो करना पड़ेगा। तो आज वेदर भी अच्छा है, धूप तो उतना नहीं है फिलहाल। तो देखते हैं बारिश होगा कि नहीं। बारिश होने का चांस तो है, वेदर रिपोर्ट ऐसा ही बोल रहा था। अब देखते हैं क्या होता है। एक ही इच्छा है कि रेल गेट खुला रहे, और खुला रहा। ओह भाई साहब, तो मैं कभी कभी इसको बोलता हूँ कि रेल गेट खुला रहे, रेल गेट खुला रहे, और जब देखता हूँ उस दिन रेल गेट खुला रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे रुकना पड़ता है और यहाँ पे गेट जल्द से नहीं खुलता है। तो चलो, मैं फिलहाल तो बीच रोड पे आ गया हूँ, तब यहाँ से मुझे सीधा ही जाना पड़ेगा। और 7:30 तो बज गया है, इसलिए सिग्नल अभी मुझे पूरा प्रॉपर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ सभी सिग्नल मुझे मिलेगा, क्योंकि 7:30 से पहले सिग्नल वगैरह उतना नहीं रहता है। अभी तो ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, सिग्नल भी सब जगह रहेगा। तो साउंड वगैरह चेक कर लिए, सब ठीक ही है, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम नहीं, ये सेटअप ही ऐसा है कि अगर इसका माइक का जो सिंबल है, इसमें अगर टच हो गया तो ये पूरा म्यूट हो जाता है, और आपका जो मेहनत है ये बातचीत करने का, ये पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ठीक है कि नहीं। मुझे और एक ग्लव्स लेना है, इससे थोड़ी महंगी। ये वाला 350 लिया था, ऑनलाइन में लिया था मैं। अच्छा है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग अगर चलाओ तो थोड़ा बहुत पेन होता है। तो इसको चेंज करके मैं दूसरा कुछ यूज़ करूँगा। खुल गया, ये क्या कर रहे हैं अंकल? एक का हेलमेट है, अंकल का हेलमेट नहीं है, पीछे जो है उसका भी हेलमेट नहीं है। बढ़िया है, तो कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर था जिसका चैनल का नाम था प्रो राइडर 1000, उसका डेथ हो गया। वो एक एक्सीडेंट में गुजर गया है। उसका ओरिजिनल नाम है कुछ अगस्त्य चौहान, ऐसा कुछ नाम है, और बच्चा लड़का है, 22-23 साल का लड़का है, देहरादून का लड़का है। और उसका एक्सीडेंट हो गया है जमुना एक्सप्रेस पे, दिल्ली जाते वक्त टाइम में हुआ था। और उसका पास एक निंजा ZX10R था, और उसने एक वीडियो किया था कि उसको 300 पिकअप तक उठाना है, मतलब 300 स्पीड में बाइक चलाना है। ये यार क्या बचपना है यार, 300 स्पीड क्या कोई बच्चों का खेल है? हम अगर दिल्ली एक्सप्रेस में 100 की स्पीड लेते हैं तब भी मुझे डर लगता है, और वो 300 स्पीड में चलाएगा ऐसा बोला था। और सुना तो है कुछ ड्रैग रेस हो रहा था, उसमें 300 स्पीड उठा लिया था, और जाके गाड़ी डिवाइडर में जाके धक्का लगा, और वहीं पे उसका एक्सीडेंट में वहीं पे उसका मौत हो गया है।
मैंने जितना तक मुझे याद है उसके साथ आमिर माजिद भी था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं भी किसी यूट्यूबर से ये बात सुना हूँ कि उसके साथ आमिर माजिद भी था, वो दोनों ड्रैग रेस कर रहा था और उसमें 300 पिकअप उठने की वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वो जाके सीधा डिवाइडर में जाके टक्कर लगी और वहीं पे उसका डेथ हो गया है। तो यार 22 23 साल का लड़का का उतना मैच्योरिटी तो मुझे लगता नहीं आता है और उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। और ये 300 पिकअप उठाने का जो चैलेंज है ये काफ़ी रिस्की चैलेंज था मुझे ऐसा लगता है। तो अब क्या बताऊँ, राइडर तो अच्छा था, उसका ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर था और चैनल का ग्रो भी बहुत अच्छा था, छोटा उम्र में चैनल अच्छा कर लिया था। लेकिन यार ये होता क्या है, ये सब्सक्राइबर का जो डिमांड है इसको कंप्लीट करने में ही ऐसा होता है। तो मैं जो जो सुपर बाइक चलाता है, नॉर्मल बाइक भी चलाता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से बाइक चलाइए, ऐसा रिस्क मत लीजिए क्योंकि जान से बढ़िया कुछ नहीं है। तो मेरा राइट साइड में जो ये बस स्टैंड है, यहाँ से दीघा मेदिनीपुर का बस छोड़ता है, दीघा मेदिनीपुर खड़गपुर। अब सुबह यहाँ पे आ जाओगे 5 बजे तो यहाँ से बहुत सारा बस जाता है दीघा के लिए। तो ये जो डेली ब्लॉग है, मतलब ये जो ऑफिस राइड है, जो डेली ब्लॉग है मेरा, ये तो मुझे फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, पहले तो अच्छा नहीं लगता था, अभी क्या है, अभी हैबिट हो गया है, अभी अच्छा लगता है। पहले बोरिंग लगता था कि क्या डेली ब्लॉग, लेकिन अभी देखता हूँ कि नहीं, ये डेली ब्लॉग करना ज़रूरी है। तो बाली भी क्रॉस कर लिए हैं, अब सीमेंट को क्रॉस करना बाकी है। तो मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि एक अगर लड़के का यूट्यूब चैनल, मान लीजिए मेरा चैनल में मैं डेली मतलब ऑलमोस्ट वीक में 2-3 वीडियो देता हूँ, शॉर्ट्स वगैरह देता हूँ, इसमें टाइम भी देता हूँ, उसके बाद भी व्यू थोड़ा कम है, हालांकि पहले से ज़्यादा है, सब्सक्राइबर भी पहले से ज़्यादा है, लेकिन अगर एक लड़की एक 90 पहन के फेसबुक में डांस करे, जिसका कोई मतलब सर नहीं पैर नहीं कुछ नहीं है, डांस कर रहा है किसी भी गाने में, यार वो क्यों इतना फेमस हो रहा है, क्यों? मैं बहुत सारा ऐसा देखा कि वीडियो में कुछ नहीं है, लड़की सिर्फ लिप्स हिला रही है और एक नाइटी पहना हुआ है और उसका व्यू देखो 1000 में व्यू, ऐसा क्यों? हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग के साथ ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? यार किसी भी लड़की इस चीज़ को बुरा मत लेना, मतलब मैं जस्ट ऐसा ही बोल रहा हूँ जस्ट फॉर फन, लेकिन ये चीज़ एकदम 100% सही है कि एक लड़के का यूट्यूब चैनल या फेसबुक अकाउंट जिस तरह से ग्रो होता है, एक लड़की का चैनल अगर इस रिलेटेड चैनल है वो ज़्यादा ग्रो करता है। तो पीछे का सब रास्ता क्रॉस करती है सामने की तरफ और 79 को देखो पूरा बीचों बीच में रुका है, ये तो उसका ही रास्ता है। तो खैर मैं पीछे का सब रास्ता क्रॉस करके सामने की तरफ जा रहा हूँ और सामने है 2 मंजिल और चुनना है 1, वही हमेशा की तरफ। एक दिन ऐसा ऐसा बात करते करते सीधा ही चले जाऊँगा, फिर यूटर्न आऊँगा, फिर ऑफिस जाऊँगा।
ये दो मंजिल का झंझट ही खत्म कर दूंगा एक दिन। तो दो मंजिल से हम एक मंजिल आ गए, अभी एक ही मंजिल है। तो चलो कोई बात नहीं, सब कुछ देखते हुए सुनते हुए सहते हुए हम जा रहे हैं सीधा ऑफिस। ओ भाई साहब, इसका इंडिकेटर जलाया नहीं था और ये इस लेन से पूरा इस लेन आ गया। तवा चाका तुम्हारे दड़ाई की जो हवे गुड। वैसे मुझे मोटो ब्लॉगिंग करने का शौक बहुत पहले से था, मतलब मैं जब क्लास 8-9 में था तब से मुझे मोटो ब्लॉगिंग का शौक था। फाइनली मैं अभी कर पा रहा हूँ, यही बहुत है मेरे लिए और कुछ नहीं। ये लगभग 6 महीने में मेरा ऑलमोस्ट 470 सब्सक्राइबर हो गया है, यही बहुत अच्छा है। बाइकिंग का मेरा शौक है, मैं वही करता हूँ और वही करूँगा आगे भी। अब टाइम मिलेगा तो और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दूँगा, देखते हैं क्या होता है। यही है कोना एक्सप्रेस, यहाँ से लेफ्ट जाओगे तो सांतरागाछी, धर्मोतला, सियालदा, यहाँ पे जा सकते हो। सीधा तो आप चेन्नई जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो। अरे बाप रे, देखो ये लड़की पीछे बैठते बैठते वीडियो कर रहा है और लड़का चला रहा है। 3 आदमी है बाइक में, किसी के पास भी हेलमेट नहीं है, मतलब किसी के सर में हेलमेट नहीं है। अगर मान लीजिए गाड़ी थोड़ा राइट टर्न ले लिया या लेन चेंज कर लिया, क्या करेगा? आप लोग क्यों ऐसा करते हो पता नहीं। तो आज शुक्रवार है और हाथ बैठ गया है मेरा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बैठता नहीं है, राइट साइड में सिर्फ बैठता है। ये हाथ लगभग 5 बजे से बैठ जाता है। हाँ, तो देखिए कितना भीड़ है। खचाखच बाइक लगा हुआ है। तो यहाँ से मुझे इस लेन को लेना है, सर्विस रोड लेना है, इसलिए मैं यहाँ से लेफ्ट ले लूँगा। तो चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया है, अब इसका सेकेंड पार्ट तो सेकेंड टाइम ही होगा, मतलब ऑफिस लौटते वक्त होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह प्यार देते रहिएगा मुझे। और अगर कुछ गलती वगैरह होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, मैं उसको सुधारने के लिए 100% मेहनत करूँगा। तो चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगा सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वेलकम बैक। तो मैं जस्ट ऑफिस से निकला हूँ और मैं पेट्रोल भरा के हाई रोड से अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। तो मैं अभी सरस्वती ब्रिज क्रॉस कर लिया हूँ, अभी सामने है अंकुर हड्डी चेक पोस्ट। तो चलो मज़ा लेते हैं राइड का। आज वेदर बहुत ही अच्छा है, कहीं बारिश हुआ होगा इसलिए वेदर थोड़ा ठंड है। यार 106 रुपये पेट्रोल है फिलहाल, तो
लोग बोलते हैं ऐसा इमरजेंसी अगर है तब भी गाड़ी निकालो, लेकिन जो मतलब राइड लव करता है या जो उसको बाइक राइडिंग पसंद है, वो लोग पेट्रोल का कीमत नहीं देखते हैं, वो लोग वैसे ही तेल बढ़ाता है वैसे ही घूमने निकल जाता है। जैसे कि मैं, मेरा ऑफिस में मैं बस से आ सकता लेकिन मैं आता नहीं हूँ, मैं बाइक में आ जाता हूँ, क्योंकि बाइक भी चलाना ज़रूरी है। और ये जो फीलिंग्स है, मतलब ये राइड का जो फीलिंग्स है, ये और एक राइडर ही समझेगा, जिसका बाइक चलाने पसंद है उसको ही ये फीलिंग्स का कदर है, बाकी तो उतना सबको ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये रोड में गाड़ी चलाओ, इतना महंगा पेट्रोल भराओ, बिना काम के घूमो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे ही घूमते हैं, बाइक लवर है इसलिए हम लोग वैसे ही घूमते हैं। मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दिखा दिया हूँ, अब ये रास्ता का मजा लेते हैं पूरा, ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाएंगे क्योंकि मुझे डर लगता है। तो ले लिया कोलकाता, अब एक सुंदर सा कॉर्नरिंग वाला रास्ता है, देखते हैं कितना स्पीड में जाते हैं। अब यहाँ से मुझे डर लग रहा है 47, बाप रे भाई, रे भाई, नहीं भाई, रुको, नहीं भाई स्लो, मुझे नहीं करना है। ओह गॉड, मैं 47-48 में मेरा ये हालत, पता नहीं लोग कैसे इसको ज़्यादा स्पीड में जाते हैं। पूरा रास्ता देखो, पूरा है ऐसा। ओ भाई, नहीं भाई, कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम, ओए भाई कच्चा बादाम। चलो अब तो खोरदा थाना के सिग्नल भी हम पहुंच गए, ये मेरा लेफ्ट साइड में खोरदा थाना है, तो चलो यहाँ पे रुकते हैं। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, ओ यार यार ये कितनी औसम है। अब हम क्या करें, हम जा भी नहीं सकते, कोशिश तो किया था 2-3 बार, देखते हैं। फिर से गाड़ी आ गया और सिग्नल खुला हुआ है, रेल गेट भी खुला हुआ है। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। गाय उठे बार
आ गई माल आ गया आ गया आ गया। वो फिर से आ गया। तो मैं आ गया हूँ मुंडी पड़ा, यहाँ से वो खराब रास्ता शुरू। क्या हाल कर दिया इस रास्ता का, देखिए इतना बड़ा बड़ा खड्डा है इस रास्ते में, फिर ऊपर कालवर्ट वगैरह है, फिर खड्डा है। क्या किया है रास्ता का, देखिए ये हाल। रास्ता हो जाने के बाद ये लोग को याद पड़ता है, अरे यार हम तो पाइप बैठाया नहीं। चलो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक कर देना। तो आप लोगों से मुलाकात होगा फिर एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।